हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको द ग्रेट इंडियन बस्टर, जिसको कि हम गोडावण कहते हैं, उसके विषय में पढ़ाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड कहते हैं इसको। आप इसकी यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। डाक विभाग ने भी इसके नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया है। ये राज्य पक्षी है राजस्थान का। और कौन सी तारीख को इसको राज्य पक्षी डिक्लेयर किया गया था राजस्थान का? 21 मई 1981 के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, कैरियोटियस नाइग्रेसेप्स, ये भी एक बार पूछा गया है RPSC ने। इसका जो साइंटिफिक नेम है, कैरियोटियस नाइग्रेसेप्स कहते हैं इसको। इसको स्थानीय भाषा में सोहन चिड़ी या शर्मीला कहा जाता है। इसके जो उपनाम है उसको कहते हैं सारंग, हुकना, गुधनमेर, बड़ा तिलोर या तूकदर। ये सारे इसी के निकनेम्स हैं। हाड़ौती क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में इसको कहते हैं माल मोरड़ी। तो हाड़ौती क्षेत्र में इसको कहते हैं माल मोरड़ी। और इसका जो साइज होता है करीबन 3.3 फिट के आसपास होता है, ठीक है। और क्योंकि ये बिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, भारी होता है, तो ये पेड़ की टहनियों पे नहीं बैठता है। और ये जल के जो पानी का स्रोत होता है, उसके आसपास की जो घास होती है उसी में अपना घोंसला बनाते हैं। यही कारण है शायद कि ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि यदि ज़मीन पे घोंसले होते हैं तो एनिमल्स उसको प्रे करते हैं, उसको खा जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है इनके एक्सटिंक्शन का। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। IUCN की जारी लिस्ट के अनुसार इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर रखा गया है। देखें, इनके जो प्रजनन, क्योंकि ये बहुत कम तादाद में रह गए हैं, तो इनके लिए जो प्रजनन जंतुआलय का राजस्थान सरकार ने निर्माण किया है वो जोधपुर के अंदर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये प्रजनन का जो इनका सीज़न होता है वो करीबन अक्टूबर, नवंबर, सितंबर भी लोग कहते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में प्रजनन करते हैं। इनकी ऊंचाई मैंने आपको बता ही दिया। इनका कलर फ़ोटो देख के आप समझ गए होंगे किस प्रकार का इनका कलर है। इनके सिर पे ब्लैक कलर के बाल होते हैं, उसको क्राउन कहते हैं। और येलोइश इनका कलर होता है। इनका जो प्रिय भोजन होता है वो मूँगफली होता है, तारामीरा होता है इंग्लिश में, सो ग्राउंड नट, मिलेट्स या पॉड्स ऑफ लेग्यूम्स कहते हैं। तो ये इनके फेवरेट भोजन में से एक है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुखता पाया जाता है? ये तीन जगह पाया जाता है और ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एक है सोरसन, जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। सांकलिया गाँव अजमेर के पास है, सोंकलिया गाँव, मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, तो यहाँ पे भी पाया जाता है। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। और कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी ये पाए जाते हैं। इनके अंदर, इन स्टेट्स के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। ये बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये ओरिजिनली अफ्रीकन बर्ड है। और डेजर्ट नेशनल पार्क में इसकी जो पॉपुलेशन है वो देखी जा सकती है। डेजर्ट नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है एनिमल्स एंड प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए। और इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, इस प्रकार की। ये रेड डेटा लिस्ट बनाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेड डेटा लिस्ट बनाता है, तो उन्होंने इस बर्ड को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर रख दिया गया है। मतलब जिनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है ये स्पीशीज़। आप देख सकते हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो स्पेशली, देखो IUCN जो होता है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए होता है, पर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपने 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें बताया था कि इनकी तादाद करीबन 250 के करीबन ही रह गई है। और ये जो बर्ड है वो इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है, तो ये काफ़ी कम तादाद में बचे हैं। और राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स भी किए हैं।
क्योंकि इनका नंबर एकदम से 90% ये जो इनकी तादाद है वो डिक्लाइन हो गई है पास्ट ईयर्स के अंदर, तो दे डेफिनेटली नीड्स कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ये विश्व पर्यावरण दिवस दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था, या सबसे पहले इस डेट को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और राजस्थान इंडिया का एक पहला ऐसा स्टेट बना जिसने ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था 5 जून 2013। फ्रेंड्स ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में भी पूछा जा सकता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को राजस्थान पहला राज्य बना है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ये स्टार्ट किया गया था, ओके। और इस पे 1980s के अंदर भी गोडावण दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पहला इंटरनेशनल सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। कौन सी जगह पे? जयपुर में। ये लेसर नोन फैक्ट्स हैं लेकिन पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे आयोजित की गई थी 1980 में की गई थी, और कहाँ की गई थी? जयपुर के अंदर, ओके। क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये राजस्थान का राज्य पक्षी है तो कैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। एंड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये लेकिन ये एनवायरमेंटल इशू भी है। अगर आपने कुछ सालों में पैटर्न में बदलाव देखे होंगे तो मेजर 20 से 30 क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, और 2-3 साल पुराना जीके पूछते हैं, तो ये 2013 का है तो चांसेस आर हाई कि ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग आवर वीडियो प्लीज़ रेट रिव्यू एंड रिकमेंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।